नमस्कार, आई एम डॉक्टर नीलम बनारा, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, कैलाश हॉस्पिटल एंड न्यूरो इंस्टीट्यूट, सेक्टर 71, नोएडा। जुलाई महीना जो है इंटरनेशनल अवेयरनेस ऑफ जीबी स्ट्रैप होता है, तो आज हम बात करेंगे जीबीएस की। अब मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज़ जीबीएस। जीबीएस मीन्स ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया मैन एंड वुमेन दोनों में ही नेचुरली पाया जाता है, बट ये वुमेन में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड बर्थ कैनाल में होता है। बट इसकी वैल्यू तब होती है जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है। प्रेगनेंसी के दौरान जब वुमेन पॉजिटिव होती है जीबीएस के लिए, तो इसकी इम्पॉर्टेंस होती है बिकॉज दैट लेडी कैन ट्रांसमिट दिस बैक्टीरिया टू हर बेबी ड्यूरिंग डिलीवरी। सो जीबीएस का हमें कॉज जानना चाहिए कि क्यों, कैसे हम पता कर सकते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को जीबीएस है। तो उसके लिए 32 वीक से 37 वीक्स के बीच में एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ये टेस्ट हम वजाइना और रेक्टम से लेते हैं स्वैब। उसमें हम देखते हैं कि दैट लेडी इज़ पॉजिटिव फॉर जीबीएस और नॉट। अगर वो लेडी ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के लिए पॉजिटिव है, तो हम उस लेडी को कहेंगे कि शी इज़ द कैरियर ऑफ दिस बैक्टीरिया। अब वो कैरियर है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर बच्चे को, अपने बच्चे को ट्रांसमिट करे ही करे, लेकिन शी मे ट्रांसमिट दिस बैक्टीरिया टू हर बेबी ड्यूरिंग डिलीवरी। सो एवरी प्रेग्नेंट लेडी शुड नो कि एट व्हाट टाइम आई शुड बी अलर्ट फॉर दिस बैक्टीरिया। देर आर सम हाई रिस्क सिम्टम्स जो कि इस बैक्टीरिया को ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। दीज सिम्टम्स आर इफ़ लिवर पेन स्टार्ट बिफोर 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, इफ़ देर इज़ लीकिंग बिफोर 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, और इफ़ देर इज़ रिपीटेड यूटीआई ड्यूरिंग लास्ट प्रेगनेंसी स्टेज, एंड इफ देर इज़ फीवर मोर देन 100.4 डिग्री और मोर ड्यूरिंग लेबर, और इफ़ देर इज़ prolonged labor more than 18 hours. So these all are high risk factors. अगर किसी महिला को symptoms समझ आते हैं, तो she should immediately go to her gynecologist so that the gynecologist can immediately correct the infection by giving broad spectrum IV antibiotics. अब जब बेबी डिलीवर होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है, अगर मदर पॉजिटिव भी है तो उसका हर बच्चे को ये कैरी करेगा। तो समटाइम्स 100 में से 1-2 बेबी पॉजिटिव होते हैं फॉर जीबीएस। बेबी दो तरह से मैनिफेस्ट कर सकता है, अर्ली मैनिफेस्टेशन और लेट मैनिफेस्टेशन। अर्ली मैनिफेस्टेशन में विद इन फ्यू आवर्स ऑफ डिलीवरी बेबी में डेवलप मैनी सिम्टम्स, उसको मल्टीपल ऑर्गन सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं। दैट बेबी में डेवलप सेप्सिस, में डेवलप मेनिंजाइटिस, इवन में डाई ऑफ इट। इवन अगर बेबी को अर्ली स्टेज में ये मैनिफेस्टेशंस नहीं होते हैं, तो दैट बेबी मे डेवलप सिम्टम्स विद इन 6 मंथ्स ऑफ डिलीवरी इफ़ दैट बेबी इज़ इन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड मदर। सो 6 महीने बाद भी हो सकता है, उसको हम लेट ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन बोलते हैं। इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि ग्रुप बी स्ट्रेप कितना सीरियस हो सकता है अपने बेबी के लिए। हालांकि इट इज़ नॉट वेरी कॉमन, बट स्टिल इफ़ एनी बेबी डेवलप्स द इन्फेक्शन ऑफ जीबीएस, दैट वुड बी अ वेरी डेंजरस कंडीशन। सो एवरी प्रेग्नेंट मदर शुड बी अवेयर ऑफ दिस जीबी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। सो थैंक यू सो मच, नमस्कार।